सो so, ये व्लॉग ना मेरा जो है लेज़र से रिलेटेड है कि मैं ना अपर लिप्स की लेज़र करवा रही हूँ और अंडर आर्म्स की लेज़र करवा रही हूँ हेयर रिमूविंग लेज़र तो मैंने सोचा उसका एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि क्या ये चीज़ सच में काम करती है कि ये फालतू है और कैसे होती है क्या प्रोसेस है मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताऊँगी तो मैंने सोचा कि स्टोरी से अच्छा है क्यों ना हम आपको करके दिखाएं तो अभी ना मैंने ऑलरेडी कोरिया में ये लेज़र ट्रीटमेंट के लिए मैं गई थी हेयर रिमूविंग के लिए और क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ना बार बार अपर लिप्स उतारो तो इसलिए ना मैं गई और उधर पैकेज चल रहा था कि मतलब फिफ्टी डॉलर्स में अपर लिप्स पांच महीने सिर्फ मैंने फिफ्टी डॉलर्स दिए और हर महीने महीने मैं जस्ट जाके लेज़र करवा के आती हूँ और सेम अंडर आर्म्स का भी सेम था फिफ्टी डॉलर वो पैकेज चल रहा था इसलिए सेल सेल क्या कहते डील चल रही थी तो ऐसे फिर मैंने कर दिया उधर ज्वाइन और अभी ना मैंने चार मंथ जो है वो डन हो गए हैं अभी लास्ट है कल का दिन जब मैं जाऊंगी लेज़र करवाने पाँच महीने का कोर्स है लेकिन उन लोगों ने श्योरिटी नहीं दी कि आप लोगों को क्या कहते हैं वापस से ये बाल नहीं आएंगे पाँच महीने के बाद उन लोगों ने भी बोला कि परसेंट परसेंट टू डिपेंड करता है किसी किसी का पांच महीने में ही काम हो जाता है और किसी किसी का दस महीने भी लगते हैं तो मुझे नहीं पता मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ में ज्यादा बाल नहीं आते मुझे अभी लेकिन अपर लिप्स में ना इधर इधर बाल है अब पता नहीं आप लोग को दिखेगा अभी के नहीं, लेकिन थोड़ -थोड़ से बाल हैं तो कल मेरा लास्ट डे है तो मैं सोच रही हूँ कल जाके शूट करूँगी उधर और उसके अलावा उन लोगों से पूछूंगी कि अभी मेरा क्या सीन बना मुझे क्या वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए तो कल का कल देखते हैं लेकिन आज का हमेशा लेज़र से एक या दो दिन पहले जो काम करके जाना पड़ता है क्लिनिक वो मैं आपको दिखा रही हूँ तो सबसे पहले अपने जो अपर लिप्स और अंडरस की जहाँ भी बाल आपको उतरवाने हैं वो सारे बाल ना रिमूव करके जाना पड़ता है और ये पाँच महीने में कोई भी वैक्स वगैरह क्रीम वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करना है इस पूरे मतलब जब जब आपका लेज़र ट्रीटमेंट चल रहा है ना जितना भी टाइम पाँच महीने या दस महीने आपको क्या करना है आपके जो हेयर्स हैं वो शेव इसके शेव के थ्रू रेजर के थ्रू रिमूव करने हैं इसको क्या कहते हैं टिंकल रोज़ क्या कहते हैं रेजर ही कहते हैं ना तो इसके थ्रू रिमूव करना है ठीक है ये वाला ये मार्केट्स में आसानी से मिल जाता है किसी कॉस्मेटिक शॉप में भी मिल जाता है और मैं नॉर्मली कैसे रिमूव करती हूँ ये मैं कोकोनट वाला लोशन ले रही हूँ कोई सा भी लोशन या क्रीम आप लोग ले सकते हो ठीक है लेके और फिर सिंपली क्या करना है कि अपर लिप्स मैं लगा देती हूँ ताकि जो बाल है ना वो स्मूथली निकल आए तो आ, बिल्कुल भी ये मतलब स्ट्रिक्ट मना है कि आप लोग वैक्स वगैरह उस ड्यूरेशन में करो ही नहीं जिस टाइम आपका ये ट्रीटमेंट चल रहा है क्योंकि आ, बाकी बच्चा वाला मैंने हाथ में लगा दिया तो जैसे ही मतलब बाल निकल रहे हैं फिर उसको आप रेजर से ऊपर से उतार देते हो ना तो वैक्स से क्या होता है खींचने से अंदर रूट से निकल आता है लेकिन ये वाला प्रोसेस है ना सिर्फ ऊपर ऊपर से बाल निकल दे तो जब वो रेजर लगा लेजर लेजर रेजर कितने से लेजर जब लगाते हैं ना वो लोग तो आपके अंदर के रूट्स जो है ना वो उधर से मतलब बर्न होने लगते हैं रूट्स ख़त्म होने लगते हैं लेकिन अगर अगर आप पहले से खींच के आओगे तो कैसे चलेगा सो नेवर नेवर एवर यूज़ वैक्स और ठेके थ्रेडिंग भी नहीं करनी ओनली दिस वन सिर्फ एक ही ऑप्शन है ठीक है तो सिंपली मैं ना और अगर आपको ये चीज यूज नहीं करनी आती तो मैं आपको वो भी सिखा देती हूं बहुत ही धीरे धीरे से करना है क्योंकि ये डेफिनेटली शार्प होता है ना तो बहुत आराम आराम से उतरना है थोड़ा थोड़ा करके ऐसे करके मतलब कोई भी जल्दबाजी नहीं है और एक एक बाल और मैंने फिर साथ में ना ये टिश्यू भी रखा है तो मैं जो बाल उतारती रहती हूँ ना वो ये देखो निकले हैं बाल तो ये मैं बाल ना इस टिश्यू में लगाती रहती हूँ ताकि फिर रेजर जो है वो साफ हो जाता है और फिर ऐसे और पीछे क्या है टीवी में मैं पाकिस्तानी ड्रामा देख रही थी ए आर और अभी बाद में देखूंगी सिंपल अपने लिप्स को जैसे भी है बस थोड़ा सा ऐसे करके फिर आप आराम से उतार सकते हो और इसे थोड़ा थोड़ा उतार के अपना साफ करते रहो ना रेजर ठीक है मैं अभी ये पूरा साफ करके आती हूँ नहीं तो वीडियो हमारी बहुत बड़ी हो जाएगी तो अपर लिप से ना मैंने पूरे साफ कर दिए ठीक है ठीके? अभी मैं क्या करूंगी कि इसको ना थोड़ा सा लोशन लगा के अभी वेट टिश्यू दूसरे रूम में ना इतना लेजी है एक इंसान के उधर जाके कौन लेके आए तो इसी से ही मैं नॉर्मल टिश्यू से साफ़ कर रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा जो भी बाल है ना चिपके हुए हक जाए और उसके ऊपर मैं सिंपल एलोवेरा जेल लगा दूंगी और बाय द वे मैं जो आईब्रोज है ना कुछ लोग पूछते हैं आईब्रोज आप कैसे बनाते हो फॉरेन कंट्री में तो ये आईब्रोज ना देखो अभी बहुत ग्रोथ हो गई है ऊपर नीचे की तो ये आईब्रोज भी मैं खुद ही बनाती हूँ और वो भी एक रेजर से जो कि ना साइज़ में थोड़ा सा छोटा होता है इससे और वो स्पेशली आईब्रोज़ के लिए है वो ढाई में इजीली मिल जाता है और इवन पाकिस्तान में भी आसानी से मिल जाएगा ये वाला और ये दिखने में ऐसा होता है तो ये आईब्रोज भी मैं ना सेम ही स्टाइल में बनाती हूँ कि इधर आईब्रो आईब्रोज में ना इसे लोशन लगा के ऊपर और नीचे दोनों तरफ से और फिर क्योंकि मैं इस शेप को कंटिन्यू रखती हूँ ना तो मेरे पास ऑलरेडी एक शेप है तो मैं क्या करती हूँ सिंपली ऐसे करती हूँ धीरे धीरे से ऊपर से बाल उतारो और फिर नीचे से उतारो एंड आईब्रोज आर रेडी मैं आपको दिखाती हूँ बना के फिर तो अपर लिप्स भी बना लिए आईब्रोज जो है वो भी बन गए हैं ठीक है ठीके. तो अभी ना मैं सिंपली क्या करूँगी कि एलोवेरा जेल लगा दूंगी ऐसे अगर एलोवेरा जेल नहीं है तो आप लोग ना आइस भी लगा सकते हो एंड या सी यू टमोरो हाय फ्रेंड्स तो आज है वो सेकेंड डे और आज मैं जा रही हूँ अभी रास्ते में कोई नहीं है तो अभी मैं ना जा रही हूँ लेज़र करवाने और अला करे वो मुझे रिकॉर्डिंग करने थी, मुझे पता नहीं मैं उनसे डेफिनेटली पहले परमिशन लूँगी और फिर देखती हूँ अगर रिकॉर्डिंग करने थी, तो ऑल एंड गड एंड अगर नहीं करने दी तो आ, मैं अपने एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूँगी सो so, ले हॉस्पिटल जो है ना क्लिनिक वो इस ये वाली है और इस बिल्डिंग में है और इसका नाम ना ये है मी जेरो बुकवा और ये है लैंग्वेज इंस्टीट्यूट जहाँ से कोरियन सीखी थी मैंने और ये है क्रॉसिंग लेट्स क्रॉस तो मेरे पास ना सिर्फ़ पाँच ही मिनट बचे हैं एग्जैक्ट टाइम पे आई हूँ थ्री थर्टी फाइव थ्री थर्टी होने वाले हैं तो जल्दी जल्दी जाना चाहिए तो ये है वो क्लिनिक और मुझे परमिशन नहीं मिली अंदर शूट करने की तो इसलिए आप बाहर बार से ही बस देख लो और मैंने ऑलरेडी मेरी रिजर्वेशन थी आज तो इसलिए बस आके मैं बैठ गई और थोड़ी देर में ही ये मैंने गाउन वगैरह चेंज कर दिया चप्पल चेंज कर लिए एंड आई एम रेडी टू गो और अच्छा होता अगर परमिशन मिल जाती लेकिन इतना ख़ास भी कोई प्रोसेस नहीं होता बस लेज़र लगती है बहुत गरम गरम ये सारी उनके मशीनस हैं मैंने थोड़ी क्लिप निकाल दी थी और मैं रेडी थी यहाँ पे और अभी लेज़र हो गया तो उन लोगों ने लेज़र के बाद ना मुझे ठंडा ठंडा ये कपड़ा जो है वो रख देते हैं और फिर पंद्रह मिनट के लिए मैं ऐसे लेटी रही और उसके बाद वो लोग कुछ क्रीम वगैरह लगा देते हैं तो ये सारे उनके सामान ऐसे पड़े हुए होते हैं और ये लेज़र अभी हो गई है और अभी कुछ कचरा लगा हुआ था फेस पर टिश्यू वग़ैरह के तो चलो उसको भी साफ कर ले और ये लेजर के बाद कुछ टाइम के लिए रेड होता है कुछ टाइम के लिए बर्निंग फीलिंग आती है क्योंकि जब लेजर लगती है ना तो ऐसा लगता है कि आपके मुंह में कोई लाइटर खोल रहा है बार बार तो ऐसे रेड हो गया था और जल भी रहा था और थोड़ी देर में ये ठीक हो जाएगा लेकिन इतना ज्यादा तकलीफ वाला नहीं होता है तो ऑलमोस्ट डन हो गया एंड गो को ये लेजर ऐसे हो गई लाल हो गया है और इसने फिर क्या किया था कि जैसे मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया एंड में सिर्फ क्रीम लगा दी और पाँच महीने मैंने करवाया है और अभी थोड़े थोड़े बाल आते हैं यहाँ पे एंडर आर्म उसमें कम नहीं आते इतने लेकिन इधर और इधर थोड़े थोड़े बाल और भी आते हैं अभी तो उसने बोला कि बिकॉज योर स्किन इज डार्क एकोरियन में बोला तो इसलिए ना आप लोग आपको ना थोड़ा और लेज़र करवाना पड़ेगा पाँच महीने और लेकिन मैं सोच रही हूँ सिर्फ पाँच महीने ही करवाऊँ आगे नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं चेक करना चाहती हूँ कितने बाल वापस आते हैं फिर आप लोगों को कभी किसी वीडियो में बता दूंगी क्योंकि देखते हैं क्या होता है शायद फाइव मंथ का कुछ फ़ायदा हो बार बार इधर आना या प्रोसेस करना थोड़ा टफ है टाइम निकालना पड़ता है ना आने के लिए तो ये थी आज की वीडियो और हमारे पास ना बहुत तेज़ बारिश हो रही है और मेरे पास ना अम्ब्रेला भी नहीं है मैं आपको दिखाती हूँ व्यू बहुत अच्छा है देखिए बारिश के एस के सामने खड़ी हूँ मैं ये बारिश और ये ना मछी क्या कहते हैं Hoverboard इसको क्या कहते हैं वो भी पड़ा हुआ है रेंट कर सकते हैं हम लोग पता है और यही थी मेरी आज की वीडियो और उम्मीद है आप सब लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी मिलते हैं अगली वीडियो में वो देखो पीछे मॉडल खड़ी है तो मिलते हैं अगले वीडियो में डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाय टेक केयर